हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर दिखाना है। तो देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिखे हैं और इनको हमें कोलिनियर दिखाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 6 एंड सी 8, 8 आर 3 पॉइंट्स। ये हम लोग यहाँ पे बस ये ले लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने एक कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे होंगे। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने पर और एरिया 0 आ जाएगा, क्योंकि लाइन का एरिया हम लोग जानते हैं 0 होता है ना जी। तो अगर एरिया 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों कोलिनियर है। तो चलिए, तो हम लोग इसमें एक को x1 y1, एक को x2 y2 और एक को x3 y3 सपोज कर लेंगे, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, x1 के प्लेस पे है 2, y2 - y3 यानी 6 - 8, x2 के प्लेस पे है 4, y3 - y1 यानी कि 8 - 5 प्लस x3 यानी 8, y1 - y2 यानी 5 - 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1/2, 2 × -2 प्लस 4 × 3 प्लस यहाँ पर 8 × -1। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -4 + 12 और -8। ठीक है, तो ये देखो -8 - 4 - 12 और ये +12 0 हो जाएगा, 1/2 × 0 यानी कि एरिया हमारा 0 आ गया। जब एरिया 0 आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए जिसका कोऑर्डिनेट था क्या था जी, देख लेते हैं एक बार। ए का कोऑर्डिनेट 2, 5 और बी का 4, 6 और 8, 8 2, 5 बी 4, 6 एंड सी 8, 8 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हो जाएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे होंगे, क्योंकि इनका एरिया 0 आ रहा है, समझे ना। चलिए अब इसका